कंटेंट से रिलेट करता है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल फ्रेम। हमको दिक्कत होती है समझने में, 2 मिनट मुझे लगाना पड़ता है कुछ क्वेश्चनों में, उसी को छांटता हूँ जिसमें हमको 2-4 मिनट लग जाते हैं समझने में, 4 बार पढ़ना पड़ता है तब पकड़ पाते। आपने बोला डज द राइट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट इंटेल्स लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग क्रैकर्स इन दिवाली, यस और नो? हिंदी में कह रहा है कि जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है आपको, है ना, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, पानी वायु सब दूषित नहीं होना चाहिए, लगा दिए, गुड। तो देर आर यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस विच हैज बीन आस्क इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, आई हैव टेकन दैट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर एंड इट इज इट सिम्स दैट कि दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड बाई मी इटसेल्फ, वट एवर क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड अर्लियर दिस इज द सेम रिफ्लेक्शंस ऑफ दिस पेपर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 155 हमने जो लिखा है, डज द राइट ऑफ क्लीन एनवायरमेंटल इंटेल्स लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग क्रैकर्स इन दिवाली, ये घुमा के कह रहा है कि क्या दिवाली पर पटाखा जलाने के लिए जलाने से क्लीन एनवायरनमेंट का जो अधिकार है वो धूमिल हो जाता है, तो क्या ये प्रोविजन इंटेल्स, ये प्रोविजन इंटेल्स मीन्स प्रोविजन, आपके किसी कानूनी लीगल रेगुलेशन में है, ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसको फंडामेंटल राइट के संदर्भ में व्याख्या करिए, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला आप बताइए कि ये क्वेश्चन जो ये बात जो है कि दिवाली में बर्निंग, दिवाली में पटाखा जलाए जाना, वेदर इट इज लीगल रेगुलेशंस जिससे कि आपको पर्यावरण स्वच्छ मिले, इसकी कोई विधिक विनियमन लीगल रेगुलेशन है कि नहीं? हाँ, यस और नो होगा यार, क्या होगा? यस और नो बोलो तब हम आगे बढ़े ना। यस, अगर यस है तो आपको बताना पड़ेगा कि अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ इट इज लीगल रेगुलेशन, सो दैट यू शुड नॉट बर्न द क्रैकर्स इन दिवाली एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंट शुड नॉट गेट पॉल्यूटेड, यही है ना? तो ये किस कहाँ है लीगल रेगुलेशन? अगर है तो बताना पड़ेगा ना, खाली लिख देने से तो नहीं होगा कि यस ये है लीगल रेगुलेशन है, तो बताना पड़ेगा। बोलो बोलो, गलत सलत बोलो, कहीं पढ़े हो आप? एग्जैक्टली, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपुल कि इतनी डीप में आप पढ़ेंगे, ये मैं भी नहीं आपसे उम्मीद करता, आप समझ रहे हैं मेरी बात, बट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड नो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन, आइए वेलकम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, गुड आफ्टरनून, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट क्लीन एनवायरमेंट बिफोर अप्लाइंग द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21, ठीक है? अब ये पूछ रहा है कि बताइए पहले है कि नहीं, यार है तो कैसे है? दिस इज रियली वेरी टफ क्वेश्चंस, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट सच डीपर क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी। चूंकि आपने बोला कि ये मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ बताओ ना, वो तो हम तो बता ही देंगे बाद में। एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो अलॉन्ग विथ यू दैट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज वेरी डीप रूटेड। अब ये इसके लिए आपको पूरा आईपीएससी पढ़िएगा, लेकिन यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड रीड आईपीएससी, बट ही और सी इज expected from you that you should know about your fundamental right along with, जब आप fundamental right के रूप में इसको देखते हैं on the basis of judicial review by the Supreme Court, तो UPSC is expecting from you, you should know द
दैट कि व्हाट लीगल रेगुलेशन लीगल प्रोविजन इज ऑलरेडी मेंशन इन द आईपीसी और नॉट, क्योंकि वो न्यूज में रहता है। तो किसी भी न्यूज को जब आप पढ़ेंगे तो इतना एक्सपेक्ट वो करता है कि यू शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस दिस इंसिडेंट्स। जैसे कि देयर वॉज क्वेश्चन अबाउट हेट स्पीच, दैट इज द बेस्ड ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैज गिवन सच टाइप ऑफ स्पीच। तो ये क्वेश्चन आगे आएगा कि वेदर द हेट स्पीच इज ओनली गवर्न बाई द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, वेदर द वेयर द एक्सप्रेशन पावर इज इंस्ट्राइंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। ये है, वो ये पूछेगा कि वेदर देयर इज एनी लीगल इम्प्लीकेशंस लीगल रेगुलेशन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। अब देखिए, और ये चर्चा में रहा है कि देयर इज लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द स्टेट लाइक उत्तराखंड यूपी तमाम, कि यू कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैच दैट कल्प्रिट एंड मेक FIR अगेंस्ट दैट फेलो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड IPC सेक्शंस। उस पर केस भी हुआ था, स्टेट ने केस किया, सुनवाई हुई, बट दैट इज दैट एक्ट इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिजाइन फॉर द हेट स्पीच, बट देर इज लिटिल बिट प्रोविजन्स इन द वेरियस IPC सेक्शन दैट यू कैन हुक दैट फेलो अंडर दैट सेक्शन विदाउट इनेक्टिंग द न्यू लॉ अबाउट हेट स्पीच। क्लियर है, इतना एक्सपेक्ट वो कर रहा है, आप समझ रहे हैं। वो पूछेगा, पक्का पूछेगा इस साल, वो हेट स्पीच जो फंडामेंटल राइट में वायलेशन कर रहा है, तो क्या उसको पकड़ने के लिए आज की डेट में कोई कानून है या नहीं है? है तो कहाँ कहाँ है, वो पूछेगा, पक्का पूछेगा इस साल, क्योंकि 2015 का ट्रेंड मैं देख रहा हूँ। क्लियर है ना? और दूसरा क्या है, दूसरा उसमें क्या है, आइए, दूसरा नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन बिफोर कंटिन्यूइंग रिगार्डिंग दैट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज रिक्वायर्ड टू नो कि हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड एंड हाउ दैट क्वेश्चंस विल कवर योर प्रिपेरेशन। तो हेट स्पीच के बारे में आज की डेट में कानून है, डायरेक्ट नहीं है, डिफरेंट IPC की धाराओं में है, जिसके तहत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम लोगों के खिलाफ हेट स्पीच के तहत मुकदमा दर्ज किया। अब मुझे वो IPC के सेक्शन याद नहीं है, वो आप देख लीजिए, लेकिन वो चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार को इस पर हेट स्पीच को लेकर कानून बनाना चाहिए, ये उसका ज्यूरिडिक्शन है, और क्लियर कट एक्सप्लिसिटली ऑन द हेट स्पीच टॉपिक गवर्नमेंट शुड मेक लॉ स्पेशली। जैसे दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ, आप किसी को गाली दे देते हैं, देते हैं ना लोग अक्सर झगड़ा फसाद में गाली, तो आपने एक्चुअली मौखिक ओरल वायलेंस किया विदाउट फिजिकल हर्ट, without any physical hurting you make violence non physical violence, that is oral violence, abusing is a oral violence। lekin kahi jo hai IPC mein iska jo hai clear cut nahi diya hai, to kya karte hain, defamation maan hani mein chale jate hain log ki aapne mujhe gaali diya, on the basis of that I can file a FIR against you in the press, in the said police station। अब गाली के लिए कोई धारा नहीं है, लेकिन चूंकि आपने मेरा डिफेम किया, अपमान किया, उस धारा में वो दर्ज हो जाता। बट डायरेक्टली देर इज नो एनी सेक्शन इन IPC वेयर यू कैन बुक ए पर्सन हु हैज अब्यूज्ड यू, IPC 504 SI। ये एक जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था एक बार ऐसे ही,
बोले नहीं नहीं आप गरियाते रहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट पकड़ लेगा 504। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन नॉट राइट द राइट आंसर। क्वेश्चन इज डज द राइट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट इंटेल्स लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग क्रैकर्स इन दिवाली, यूपीएससी मेंस 2015 का है, डिस्कस इट इन द रेफरेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जैसे हमने बताया हेट स्पीच का, उसी तरीके से इसका आंसर यस है। और मैंने कल देखा था इसका, मुझे भी नहीं मालूम था पहले से, क्योंकि इतनी डीप में ले गया, आईपीसी 194 से लेकर 248 के बीच में तमाम आईपीसी में कुछ जगह पे इसका जिक्र है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इट इज़ योर ड्यूटी, यू कैन नॉट अवॉइड दैट ड्यूटी, उसमें कुछ है 248 आईपीसी टाइप करो तो उसमें जो है दिया हुआ। अब देखिए अगर इतना पता है तब तो आप इसको लिख पाएंगे, नहीं तो 15 नंबर का सवाल गया। बाद में कह रहा है कि फंडामेंटल राइट के रेफरेंस में दीजिए, वो तो दूसरा क्वेश्चन उसके साथ जोड़ा है। तो माय सबमिशन इज दैट कि टू यार तो दिखेगा नहीं, मैं देख लेता हूँ। देखिए हु परफॉर्म्स ऑन एनी पॉइंट एनी ऑपरेशन विद इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा है 248, ये कुछ और है, मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर कोई है, मैंने उस पर टाइप किया था तो आ गया था, मैंने प्रोविजन है 228 होगा फिर। तो आप इसको कैसे तैयार करेंगे वो मैंने बताने का प्रयास किया कि भाई देखो कैसे तैयारी होगी, और जब कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे जो है आप कम्प्रिहेंसिवली, जो चीज़ें चर्चा में आती है न्यूज़ में उस पर ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 2015 का देखिए चाहे 22 का देखिए। तो इसका आंसर होगा कि यस देर इज लीगल रेगुलेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन आईपीसी नंबर सेक्शन दिस जो भी है, और उसके बारे में 3 महीने की सजा है और कुछ आर्थिक दंड, लेकिन दैट इज द क्रिमिनल ऑफेंस विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द आईपीसी, और उसके बाद आप फंडामेंटल राइट के रेफरेंस आर्टिकल 21 के हिसाब से कर दीजिए। क्लियर है? इसमें ये लिखना पड़ेगा, पहले तो लिखना पड़ेगा कि यस देर इज अ लीगल रेगुलेशंस इन आईपीसी विच डील्स टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्शन एंड दैट आईपीसी, अगर नंबर याद नहीं है तो ब्रैकेट में छोड़ दीजिए डैश लिख करके, उसके लिए कोई आपको सजा नहीं देगा, कहेगा चलो कोई बात नहीं भूल गया आईपीसी नंबर, तो वो आईपीसी नंबर ब्रैकेट में करके डैश कर दीजिए कि याद नहीं है, और उसमें लिखना पड़ेगा कि देर इज प्रोविजन ऑफ 3 months प्रिजन along with the fine and this is the legal crime if you are not protecting our environment and we are destroying that, it means we are committing the criminal offense not civil offense. Clear hai, dono fark pata hai, so that is criminal offense and we can be put behind the bar for 3 months. So there is legal regulation, legal implication is already available before expressing the meaning and analytical and review and whatever the explanation given by the Supreme Court under Article 21, before that it prevails in the IPC. Clear hai? Ye to baad mein aaya na, wo Sankari Prasad wo jo hua tha case wahan wala, Bhopal gas, कौन सा केस था जिसमें बोला कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये आपका मौलिक फंडामेंटल राइट है, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट टू गेट द क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर एंड क्लीन दिस सो दैट यू शुड फील हैप्पी, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। तो इन द सिक्वेंस ऑफ दैट देर इज प्रोविजन, देर इज रेस्ट्रिक्शन टू नॉट टू बर्न द क्रैकर्स ऑन दिवाली एंड दिस है। जो डिसीजंस आए हैं उसके बेसिस पर आप जस्टिफाई कर दीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस इज योर फंडामेंटल राइट बिकॉज राइट टू लाइफ डज नॉट मीन दैट ओनली राइट टू लाइफ, द सिचुएशंस द सर्कमस्टेंसेस शुड बी, योर इकोसिस्टम शुड बी वेल डिजाइंड वेल मैनर्ड सो दैट यू शुड नॉट फील डिसकम्फर्ट टू लीव द लाइफ इन दैट एरिया। खत्म।
जीने का अधिकार है, अब पता चला यहाँ बैठा दिया, धुआं कर दिया मिर्ची का, तो राइट टू लाइफ गया ना। तो राइट टू लाइफ मीन्स एस्टीम्ड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ। हाउ द डिग्निफाइड लाइफ विल बी एसर्टेन, द बेसिस ऑफ द एसर्टनिंग द डिग्निटी डिग्निटी डिग्निफाइड लाइफ इज द बेस्ड ऑन द मोर देन 2 डजन्स ऑफ द